नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं रितुल जोशी। 48 घंटे बहुत लंबा वक्त होता है ये, लेकिन अगर 48 घंटे में कोई 10 मंजिला इमारत खड़ी करने की बात कहे तो शायद मजाक लगेगा, लेकिन चंडीगढ़ की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको हकीकत में बदल के दिखा दिया। जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे लगे एक 10 मंजिला इमारत को बनाने में। उनतीस नवंबर की शाम थी जब मोहाली में इंजीनियर्स, कारीगरों और मजदूरों की टीम ने एक 10 मंजिला इमारत बनाने का काम शुरू किया। कंस्ट्रक्शन साइट पर ना तो नींव खोदी गई और ना ही ईंट सीमेंट का कोई भी स्टॉक नजर आया। फिर भी दावा था सिर्फ 2 दिन में खाली प्लॉट पर 2500 वर्ग फीट में एक 10 मंजिला इमारत बना देने का। लोग सोच रहे थे कि क्या ये करिश्मा हो पाएगा। हो तो गया। तकनीक और इरादों की बुलंद इमारत, सिर्फ 48 घंटे में तैयार हुई 10 मंजिला बिल्डिंग। क्या आप यकीन करेंगे कि अभी आप जो इमारत देख रहे हैं वहां गुरुवार यानी 29 नवंबर की शाम 4:30 बजे तक खाली प्लॉट था, बिल्कुल सफा चट, जहां इमारत तो दूर उसकी बुनियाद तक नहीं थी। हैरान हो गए ना, लेकिन आप ये जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं वो दोनों सच हैं। वाकई चंडीगढ़ से सटे मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में ये 10 मंजिला इमारत सिर्फ 48 घंटे में बनकर तैयार हुई है। आमतौर पर यदि आप अपना घर बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, दुकान बनवाते हैं या फिर बिजनेस के पर्पज से फैक्ट्री बनवाते हैं तो उसमें आपको इंतजार करना पड़ता है, महीनों या फिर कई बार साल भी लग जाते हैं। लेकिन मेरे पीछे की इमारत को जो आप देख रहे हैं, परसों शाम 4:30 बजे यहां पर खाली जमीन का एक टुकड़ा था और 48 घंटों में 10 मंजिला एक इमारत यहां पर खड़ी कर दी गई है। जादू की रफ्तार से 48 घंटे में तैयार इस 10 मंजिला अजूबे का नाम है इंस्टाकॉन। ये बिल्डिंग सेनर्जी ग्रुप ने एक चुनौती की शक्ल में तैयार करवाई है। इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया था गुरुवार शाम 4:30 बजे और शनिवार को शाम 4:30 बजे ये पूरी तरह तैयार हो गई। ये बिल्डिंग कैसे बनी ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सुपर फास्ट स्पीड में बिल्डिंग बनाने का मकसद है क्या। आज रहेगा नवी टेक्नोलॉजी है जिदे नाल कंस्ट्रक्शन दी स्पीड जिथे महीने लगते सी हुण दिन घंटे लगे करनगे। मैं हरपाल सिंह जिन्हां ने काम शुरू किया मैं उन्होंने बधाई देना चाहना ते मैनूं लगदा है इहदे नाल रेवोल्यूशन आऊगी कंस्ट्रक्शन च। 2500 स्क्वायर फीट पर बनाई गई इस इमारत का केवल ढांचा ही नहीं खड़ा किया गया, बल्कि इस इमारत में वो तमाम ऐशो आराम और सुविधाएं हैं जो एक मॉडर्न बिल्डिंग में होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखते ही देखते तैयार इस बिल्डिंग की मजबूती से कोई समझौता नहीं हुआ है। दिल की धड़कने पहले दिन से, जिस दिन ये आइडिया आया था तब से ही बिल्कुल ठीक थी और वो कह रही थी भाई ये पॉसिबल है, तो ये दिखाने के लिए ये पॉसिबल है ये कार्यक्रम किया गया है। मेरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है, मेरी टीम बहुत ही बढ़िया टीम है और 48 घंटे से पहले भी खत्म हो जाएगा, बट 48 आवर्स में ही हमें पूरी उम्मीद है भी हम आपको शोकेस कर सकेंगे। इस बिल्डिंग की चमक आने वाले दिनों में भारत के दूसरे शहरों और दूर दराज के गांव तक की सूरज चमका सकती है। जानकार मानते हैं कि जिस तकनीक से ये इमारत तैयार हुई है उसका इस्तेमाल करके इससे भी बड़ी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और कारखाने बनाए जा सकते हैं, वो भी बेहद कम वक्त और सामान्य से कम लागत में। सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। हिंदुस्तान में पहली बार इतनी जल्दी इतनी बुलंद इमारत बनी है। ये करिश्मा हुआ तकनीक के चमत्कार से। इस इमारत का खांचा फैक्ट्री में तैयार हुआ जिसे जोड़कर जमीन पर ढांचा खड़ा किया गया और हाथों हाथ इसमें फिट कर दी गई जरूरत की तमाम सुविधाएं। आंखों से देखकर भी यकीन नहीं होता कि ये 10 मंजिला इमारत महज 48 घंटों में तैयार हुई है। उससे भी हैरानी ये जानकर होती है कि इस इमारत का खांचा फैक्ट्री में तैयार हुआ जिसे उम्दा तकनीक के जरिए एक दूसरे से जोड़कर
इंजीनियरों और कारीगरों ने खड़ी कर दी ये बुलंद इमारत। भारत में पहली बार इस तकनीक का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये एक स्टील बिल्डिंग है, सारी की सारी बिल्डिंग हम इसको बोलते हैं फैक्ट्री मेड बिल्डिंग। सारी की सारी बिल्डिंग जो फैक्ट्री में बना लेते हैं, प्लंबिंग, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल, स्मार्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, एयर क्वालिटी कॉन्सेप्ट, सारा का सारा हम पहले ही इसको फैक्ट्री में तैयार कर लेते हैं, फिर इसको हम साइट पे लाके हम इसको असेंबल कर लेते हैं। मोहाली फेज वन में गुरुवार की शाम ठीक 4:30 बजे बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। 48 घंटे में काम पूरा करना था और एक एक मिनट का हिसाब रखने के लिए चुनौती के तौर पर शुरू हो गई थी डिजिटल घड़ी की टिक टिक। जब इमारत बनाने का काम शुरू हुआ तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि 48 घंटे के भीतर इस सपाट जगह पर एक बिल्डिंग खड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया काम की रफ्तार बढ़ती गई। करीब 15 घंटे बाद सपाट जमीन पर इमारत की कई मंजिलें तैयार हो गई और लगने लगा कि इंजीनियरों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। बीस घंटे बाद इंजीनियरों और मजदूरों की मेहनत से बिल्डिंग का ढांचा और बड़ा हो गया। ऊपर मंजिलें जोड़ने का काम और नीचे फिनिशिंग का काम साथ साथ किया जाने लगा। चौबीस घंटे बाद टारगेट और करीब नजर आने लगा। इंजीनियरों और कर्मचारियों का उत्साह देखने लायक था। किसी हालत में इस बिल्डिंग को कहीं शिफ्ट भी करना पड़े तो बहुत आसान है, तोड़फोड़ नहीं करने पड़ती, सिर्फ नट बोल्ट लगे हैं, उनके सहारे से इसको वापस खोलकर जो है कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ये बिल्डिंग 48 घंटे में, जैसा कि कंपनी ने, जो बनाने वाली कंपनी है, दावा किया था, पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड भी होगा। वक्त तेजी से भाग रहा था और उससे भी तेजी से आकार ले रही थी इस 10 मंजिला इमारत की कल्पना। एक तरफ ढांचा खड़ा हो रहा था तो दूसरी ओर बिल्डिंग में खिड़कियां, दरवाजे, टाइल्स, टॉयलेट, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं फिट करने का काम भी फुल स्पीड में चल रहा था। फिर वक्त पूरा हुआ, वो वक्त जो इमारत बनाने में जुटे इंजीनियरों, तकनीशियनों और मजदूरों का टारगेट था। काम पूरा हो चुका था, पूरी साज सज्जा के साथ ये इमारत तय समय में बनकर तैयार थी। हम इस टाइम जोन 4 में खड़े हैं। हमारी बिल्डिंग SCRC जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अदारा है, उसने हमें जोन 5 क्लियरेंस इस बिल्डिंग के लिए दी है। सो ये बिल्कुल ही बिल्कुल सेफ बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जिस इलाके में बनी है वो भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील जोन 4 में आता है। बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े लोगों का दावा है कि इस इमारत को बनाने में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस बिल्डिंग के निर्माण की नुमाइश आर्किटेक्ट, इंजीनियरों और बिल्डिंग प्लानर्स की मौजूदगी में हुई। माना जा रहा है कि अगर ये तकनीक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरी तो आने वाले दिनों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है, जब बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए महीनों और सालों नहीं बस कुछ घंटों की जरूरत होगी। सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। सिर्फ 48 घंटे में खड़ी हुई इस इमारत की मजबूती बेमिसाल बताई जा रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी का तो दावा है कि ये इमारत करीब 600 साल तक टिकी रहेगी। सबसे खास बात यह है कि अगर जरूरत हो तो इस इमारत को किसी और प्लॉट पर ले जाकर भी खड़ा किया जा सकता है। बाहर से जानदार और अंदर शानदार, यह इमारत वाकई अजूबा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सिर्फ 48 घंटे में बनकर तैयार हुई है, बल्कि इसलिए भी ये अजूबा है क्योंकि इसमें न तो ईंट की दीवारें हैं और न ही सीमेंट, कंक्रीट और सरिये के ढांचे। जी हाँ, ये इमारत बनी है फौलाद से। इस बिल्डिंग के निर्माताओं का दावा है कि लोहे के खांचों से खड़ी इस इमारत को 600 साल तक जस का तस रखा जा सकता है।
और अगर जमीन खाली करनी हो तो फिर नट बोल्ट खोलकर इस इमारत के पुर्जे आप दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। सबसे खास बात इस बिल्डिंग की यह है कि लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और आमतौर पर जो सिविल वर्क होता है वो इसमें ना के बराबर इस्तेमाल किया गया है। और जो दावे किए गए हैं सिनर्जी ग्रुप की तरफ से, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भूकंप जैसी विपरीत परिस्थितियों में ये बिल्डिंग हिलती नहीं है, डगमगाती नहीं है। और 600 साल इस बिल्डिंग की जो है समय सीमा दी गई है कि 600 साल तक कम से कम ये बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे ही खड़ी रहेगी। और दूसरा मूवेबल है, यदि प्रॉपर्टी के दाम गिरते हैं और आप अपने मकान दुकान या फैक्ट्री को तोड़ना चाहते हैं तो उसकी कीमत आपको जीरो मिलती है। लेकिन ये बिल्डिंग ऐसी है, आप इस बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ बुलेट्स लगे हुए हैं, आप नट बोल्ट्स खोलिए और इस बिल्डिंग को कहीं भी शिफ्ट भी कर सकते हैं। जानकार मानते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की ये नई तकनीक बेहद किफायती है। चीन इसका नमूना पहले ही दिखा चुका है, लेकिन भारत में पहली बार तकनीक की कारीगरी से तैयार हुई है ऐसी इमारत। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। चंडीगढ़ के पास मोहाली में सिर्फ 48 घंटे में 10 मंजिला इमारत का ढांचा खड़ा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले फ्लोर की फर्निशिंग का काम तक पूरा हो चुका है। नट बोल्ट पर कसे लोहे के ढांचे से बनी ये इमारत अंदर से एक सामान्य बिल्डिंग की तरह है, जहां मन चाहा इंटीरियर डेकोरेशन कराया जा सकता है। चालीस घंटों में तैयार हुई 10 मंजिला ये इमारत अंदर से कैसी है, बाहर से हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन अब हम आपको नजारा दिखा रहे हैं अंदर का। आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग कहीं ना कहीं स्टील के से बनी हुई है, लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और बिल्डिंग के अगर अंदर की बात करें तो कई सारे केबिन यहां पर बनाए गए हैं, और जो है जैसा कि दावा किया जा रहा था कि पहला फ्लोर जो है इस बिल्डिंग का फुल फर्निश किया जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे कालीन से लेकर ऊपर तक जो है पूरा जो है फर्निश इसको किया गया है। हालांकि इस तरह का काम अभी फर्स्ट फ्लोर पर ही हुआ है, पूरे केबिन्स यहां पर बनाए गए हैं, विंडो जो कांच की लगाई गई है, इनसे बाहर का नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो बनाने वाले मजदूर हैं या फिर जो स्टाफ के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं इस बिल्डिंग के बनने से। और अंदर का ही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बिल्डिंग में जो जिन्होंने बनाई है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि एक तो भूकंप जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी बिल्डिंग स्थिर रह सकती है, साथ ही लागत इसकी आम बिल्डिंग से कम है और लोहे का इस्तेमाल हुआ है, और समय समय पर अगर इस बिल्डिंग को आपको तोड़ना है तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, नट बोल्ट से बने हुए हैं, आप इस बिल्डिंग को खोलकर आराम से कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं। और पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई है, और कंपनी की तरफ से दावा किया गया था कि फर्स्ट फ्लोर को वो पूरी तरीके से फर्निश करेंगे। तो आप अंदर का जो नजारा आप देख रहे हैं कि जो आम बिल्डिंग होती है उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं है ये बिल्डिंग, ऐसा ही लग रहा है कि जो सिविल वर्क है उसी तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस बिल्डिंग की बनने की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है लोहे का इस्तेमाल हुआ है, सीमेंट और ईंट कहीं नहीं लगी हुई है, सिर्फ फैक्ट्री के अंदर पूरे पुर्जे बनाकर इस बिल्डिंग का जो है निर्माण किया गया है। 10 फ्लोर पूरे किए गए हैं, हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है, हालांकि चाइना में और कई देशों में इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिहाज से बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है। और हमने आपको दिखाया कि हालांकि अभी इस बिल्डिंग में काफी काम होना बाकी है, लेकिन 48 घंटों में जो इन्होंने काम किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। 48 घंटे में 10 मंजिला इमारत बनाने का अजूबा भारत में पहली बार हुआ है। हालांकि फटाफट इमारत बनाने के मामले में सबसे बड़ा कारनामा चीन ने किया था। इसी साल चीन के हुनान प्रांत में एक 30 मंजिला लग्जरी होटल बना सिर्फ 15 दिन में। एक 83,000 वर्ग फीट पर सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों यानी 360 घंटों में 30 मंजिला इमारत बनाकर चीन ने दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन के हुनान प्रांत के डांगटिंग नदी के किनारे बनी इस चमत्कारी इमारत में इतनी खूबियां हैं जो कई हाईटेक इमारतों में भी नहीं है। हैरानी की बात तो ये भी है कि सुपर फास्ट स्पीड में बने इस होटल को बनाने में किसी इंसान को जरा भी खरोंच तक नहीं आई। 30 मंजिला होटल में रिक्टर पैमाने पर 9 तीव्रता वाले भूकंप को झेलने की क्षमता है। इमारत में अनोखे किस्म का स्टील कवच लगा हुआ है।
इमारत चाइना एकेडमी ऑफ बिल्डिंग रिसर्च से प्रमाणित है। इमारत में किसी भी भूकंप रोधी इमारत से 5 गुना ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। आम इमारतों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा ऊर्जा का बचाव। इमारत पर 15 सेंटीमीटर मोटी शीशे की चादर लगाई गई है जो बेहद शक्तिशाली करंट को भी रोक सकती है। तकनीक के हाई स्पीड करिश्मे पर यह था हमारा आज का विषय।